एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय है और मैं जस्ट अभी बेड उड़ सब ठीक की हूँ और सृष्टि गई है नीचे साइकिल चलाने के लिए। वो साइकिल चला रही है और मैं अपने काम में लगी हूँ। मैं अभी दूध दूध सब मैंने चढ़ा दिया है। अब जा रही हूँ चाय बनाऊँगी क्योंकि अभी दूध उबल रहा है और थोड़ा बर्तन मैंने छोड़ दिया था। मैं अभी 5 बजे में उठी, मतलब सोई नहीं थी, बस लेटी हुई थी, तो 5 बजे में उठी हूँ। अब अपने काम में लग गई हूँ। तो अभी सब बेड ठीक करके अब चलती हूँ किचन में। अभी से काम फिर हम लोग का शाम का चालू हो जाता है। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ, पता नहीं, क्योंकि आज इनके ऑफिस में पार्टी चलेगी, चिकन पार्टी। तो इनकी तो हो गई, अब हम लोग बच गए 4, पापा, मैं और बच्चे। अब क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मुझे भी मन कर रहा है कुछ ऐसा हल्का हल्का बना लूँ और पापा के लिए रोटी बना दूँगी, दूध रोटी वो खा लेंगे। और क्योंकि सब्जी वो भी इतना इंटरेस्ट से नहीं खाते हैं, जैसे गोभी पटल ये बार बार बनने से वो भी नहीं खाते हैं। तो देखती हूँ, वो दूध रोटी तो उनको बहुत पसंद आता है और हम लोग देखते हैं क्या खाएँगे। तो मैंने आज चादर धोया था, मशीन लगाया था, तो बाहर थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी। स्कूल मुझे जाना था इसलिए मैंने ये सब दरवाज़ा में ही डाल दिया, तो अंदर ही सूख गया। हालांकि गर्मी काफ़ी थी तो मैंने सोचा मैं स्कूल में सृष्टि को लाने जाऊंगी, उसके बाद कहीं बूंदाबांदी भींग गया तो वो भी दिक्कत, इसलिए मैंने अंदर ही पसार दिया था। तो एक तो चादर सूख भी गया है, ये थोड़ा सा हल्का सा रह गया है, तो इसे भी मैं समेट लूँगी। और चलिए मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। इनकी तो पार्टी होगी, अब हम लोग अपना देखते हैं। तो गर्मी थी, पानी तो नहीं हुआ, केवल मौसम अच्छा हो गया था, बादल उदल, तो वही मैं तब से सृष्टि लोग को देख रही थी बाहर में जाके ठीक से चला रहे नहीं, क्योंकि गाड़ी आते जाते रहता है तो बच्चे लोग चलाते हैं तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो अभी देख के ही मैं अंदर गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी से अभी वीडियो चालू कर लेती हूँ, आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि उतना इधर बातें नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा जैसे जैसे वीडियो बन जा रहा है बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी काम चल रही है, तो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोग के साथ क्या काम चल रहा है। तो मैं अब काम में लगती हूँ क्योंकि दोपहर वाला थोड़ा बर्तन भी रह गया है, क्योंकि जो मतलब हम लोग जो लंच किए उसके बाद मैंने नहीं धोया। मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, सृष्टि स्कूल से आती है, वो फिर नहाती है, कभी सुबह नहा के जाती है, कभी उसका मन होता है, सुबह जब मन नहीं होता है तो कहती है स्कूल से आऊँगी तब नहाऊँगी। तो स्कूल से आती है, नहाती है, तब लंच करती है, फिर हम लोग खाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करते हैं। सृष्टि अपना थोड़ा कार्टून देखती है, उसके बाद जो उसका वर्क रहता है या क्राफ्ट बनाती है, उसके बाद वो वर्क जो रहता है वो अपना वर्क करती है। उसके बाद तो मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक आध घंटा तो लेटना बहुत ज़रूरी हो गया, ज़रूरी है हम लोग के लिए भी, नहीं तो काम तो दिन भर अगर हम लोग करना चाहें ना तो दिन भर काम रहेगा, एक जरा सा भी रेस्ट नहीं रहेगा। और हम लोग एक घंटा दोपहर में लेट लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को शाम में एनर्जी रहती है, अगर नींद आ गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लेट जाती हूँ, सॉरी, और मैं लेट जाती हूँ तो मुझे कमर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस दिन मैं नहीं लेटती हूँ ना, शाम में मेरा कमर दर्द बढ़ जाता है बहुत मुश्किल से, मैं फिर खाना बनाती हूँ, मुझे खड़ा होने में फिर दिक्कत होता है, तो इसलिए मुझे एक घंटा लेटना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसलिए सब काम छोड़ देती हूँ, काम अगर रहता भी है तो मैं छोड़ देती हूँ, और नहीं तो हम लोग का दिन भर काम लगा रहता है। हाँ, सृष्टि के स्कूल से लाने अगर काम सुबह का जल्दी मेरा हो जाता है, और सृष्टि को जब मैं स्कूल से लाने से पहले कुछ कुछ कर लेती हूँ, अगर जैसे क्लीन करना है कुछ, जैसे कभी रैक बच्चे लोग ख़राब कर देते हैं कॉपी का या कपड़े वाले, तो वो समय उस समय कर लेती हूँ, पर सृष्टि को स्कूल से लाने के बाद मैं जल्दी नहीं करती हूँ एकदम, नहीं, बस थोड़ा आराम करती हूँ। क्योंकि अभी शाम से भी तो हम लोग जो अभी लगेंगे किचन में सीधे 10 बजे हम लोग को फुर्सत मिलेगी, इसलिए एक घंटा हम लोग को थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो चलिए अब काम में लगती, हाथ भी दर्द हो गया बात करते करते, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ आप लोग से बातें करने के बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ मैंने दूध और चाय दोनों चढ़ा दिया है, उसके बाद जब तक ये चाय और दूध होगा मेरी बर्तन भी धुल जाएगी। तो मैंने आधा बर्तन धो लिया था, अभी थोड़ा सा रह गया है, तब जाके मैं ये वीडियो स्टार्ट फिर कर रही हूँ आप लोग से बात करने के बाद। तो चाय में मैंने सारा कुछ डाल दिया है, तो अब चलती हूँ बर्तन धो लेती हूँ। ये मेरी शाम की रूटीन है, शाम में ही मैं अधिकतर बर्तन धोती है, शायद कभी मैं दोपहर में धो लेती हूँ, पर अधिकतर मेरा शाम में ही धुलता है, मैंने आप लोग से कई बार बताया है। Thank you.
ये भी ऑफिस से आ गए हैं। मैंने सोचा था आज ये लेट से आएंगे और डिनर करके आएंगे, पर नहीं, ये जल्दी आ गए थे। आप लोग से बातें की जब मैं चाय चढ़ा के बर्तन धो ही रही थी, बर्तन मेरा कंप्लीट ही हुआ था कि ये आ गए थे, तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य में थी कि ये तो पार्टी करके आने वाले थे, पर पता चला कि इन लोगों की पार्टी दोपहर में हो गई है। और जो मैंने लंच दिया था वो भी पूरी की पूरी ये लेके आए थे, केवल दही खा लिए थे क्योंकि दही फिर खट्टी हो जाती, तो इन्होंने केवल दही खाया था, बाकी सारा कुछ लेके आया था। मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो फिर मैं सोच रही थी हल्का फुल्का कुछ बना लूँगी, पापा के लिए रोटी बनाऊँगी, पर उसके बाद मैं चल गई, मैं इनको देख के, उसके बाद चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर कद्दू वाली दाल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सब्जी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो कद्दू वाली दाल बना देती हूँ। सोचा हुआ काम नहीं हुआ, सोचा कुछ और हो गया कुछ। मैं सोची कि चलो हम लोग भी थोड़ा, मुझे मन था मैगी खाने का, सच बताती हूँ मुझे मन कर रहा था मैगी का, पर मैं कह नहीं सकती थी क्योंकि घर में मैगी नहीं था, इसलिए मैंने आपसे बातें करने के बाद उस समय क्लियर मैंने नहीं बोला था। मैंने सोचा आप लोग को, मैंने कहा कि हल्का फुल्का खाती हूँ, क्योंकि उस समय मैगी नहीं थे मेरे पास, तो मंगा पाती कि नहीं पाती, हो सकता कुछ और बना लेती, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। तो देख लीजिए इनका टिफिन पूरा भरा के भरा आ गया है, तो अब तो सबका डिनर होगा, तो इसलिए मैं कद्दू वाली दाल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज ये सब कट करके रख लिया है, दाल भी मैंने थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ दिया था, प्याज वगैरह कट कर लिया है। तो यहाँ पर सब भुनने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, जो मसाला पड़ता है उसके बाद गरम मसाला डाल के मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद मैं अब रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ दाल भी हो गई है मेरी, ये देख लीजिए, अब उसके बाद यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी भी लगभग मेरी बन गई है, उसके बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और साथ के साथ मैं सबको डिनर भी देते जा रही हूँ, क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि इनको आने के बाद सोचने उचने थोड़ा सा हम लोग बैठ के बाहर चाय पिए, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ रोटी भी बन चुकी है मेरी, तो ये देख लीजिए लगभग हो गया है। तो थोड़ा सा आटा रह गया था, तो वो उसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। मेरी सारा काम हो चुका है, बर्तन तो सब धुल गया, केवल दूध का डेची मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसे मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो अभी साफ़ नहीं होता। और यहाँ मैं जा रही हूँ दही जमाने के लिए। तो यहाँ हम लोग का डिनर सब हो चुका है और सारा काम हो गया है, मैंने स्लैब व्लैब सब साफ़ कर दिया, बस दही मैं जमाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो अभी सीरियल मेरा स्टार्ट हो गया, मैं देख के मतलब अभी ऐड दे रहा था, तो मैं जल्दी से आ गई थी कि चलो दही जमा देती हूँ, मैं भूल गई थी, मुझे अचानक से याद आया, तो मैं वही जमाने के लिए आ गई कि दही मैं भूल गई हूँ। बाकी सब कुछ हो गया है काम, बस थोड़ा सा सीरियल देखूँगी, उसके बाद सोने चले जाऊँगी। तो और ये वहाँ पर देखिए वो बर्तन धोते धोते वहाँ सादा सादा हो जाता है, बहुत लगड़ के धोती हूँ, फिर ठीक हो जाता है, फिर पड़ जाता है, तो कल उसे साफ़ करूँगी, वो बहुत दिख रहा है कैमरा में, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोग से बोल देती हूँ। तो वहाँ थोड़ा गंदा दिख रहा है, बाकी मैं तब आज मैंने नहीं किया था, बस वो कपड़ा से साफ़ किया था, इसीलिए थोड़ा दिख रहा है, तो कल आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कैमरा में दिख रहा है, तो कल वो ध्यान मुझे रखना है कि कल उसे मुझे साफ़ करना है। तो दूध लगभग जमने लायक हो गया होगा, तो उसे मैं जमा देती हूँ। तो अब इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।